आज आपका जो मुख्य टॉपिक है वो है लेथ मशीन। चक को उतारना और चढ़ाना, चक यानी कि थ्रिया चक या फोर्जा चक, हम अधिकांशतः दो ही चक यूज करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कौन सा, ये फोर्जा चक है, इसमें एक दो तीन चार जबड़े हैं, ये फोर्जा चक है और ये आपका एक दो तीन, ये थ्रिया चक है। अब हमारा आज का जो विषय है वो इसको थ्रिया चक को हम उतारेंगे, इसके स्थान पे हम फोर्जा चक। वैसे तो अधिकांशतः हम ज्यादा वर्क जो प्रोडक्शन वर्क होता है वो थ्रिया चक पे ही होता है, और जनरली जो हार्ड वर्क होते हैं सही से काम करना है जो ना खुले तो उसके लिए फोर्जा चक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको एक फट्टा चाहिए, एक हमको क्या है, हमको एक सब्बल या रोड चाहिए। ये रोड किस लिए, यहाँ पर हम फंसा देंगे और इसको हम झटका लगाएंगे तो ये जो है खुलेगा। ये जो मॉडल की आप देख रहे हैं मशीन देख रहे हैं, इस मॉडल वाली मशीन का जो चक खुलता है वो खुलता है आपका एंटी क्लॉक, इसमें स्पिंडल में क्लॉक वाइज चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है, और ये एंटी क्लॉक ये खुलता है। इसके सहारा देने के लिए इसको जिसमें बेल्ट होता है हाथ से फिसल ना जाए, ये फिसलेगा आपके बेड पे गिरेगा तो बेड आपका डैमेज हो सकता है। सो दैट इसके लिए क्या करते हैं, पीछे से रोड डाल लेते हैं, ठीक है, और खोलने के लिए क्या है, इसको पीछे से एक किसी चाबी द्वारा फंसा लेंगे ताकि ये घूमेगा, क्योंकि खोलते समय घूमेगा तो हम आसानी से खोल नहीं पाएंगे, इसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए इसको हम खोल के दिखाते हैं कैसे खोलते हैं। इसमें ये रोड है आपका, इसको रोड को पूरा आगे निकालेंगे और डालेंगे आगे को, ठीक है, इसके अंदर डाल देंगे इसको, इतना ही डाल लेंगे तो इतना काफ़ी है। अब इसको हम जो है तेज़ी से चोट मारेंगे तो खुल जाएगा। इसको इस तरह से पीछे उतार लीजिए, इसको उतार लें, इसको वापस उतारें, घुमाएं, वो और रोड पीछे डालो, इसको पकड़े रहना ताकि जो है गिरे ना, क्योंकि इसमें बेल्ट होता है, क्योंकि लेथ मशीन के चक जो होते हैं वो ऑटोमेटिक चलते चलते अपने भी क्या है टाइट हो जाते हैं ये। अब इसके ये थ्रिया उतार लिया है, ये आपका स्पिंडल है, ठीक है, तो चूड़ी कटी है। अब इसके स्थान पे क्या है, हम क्या करते हैं इस वाले चक को चढ़ाएंगे, ये आइए बिल्कुल सेम कंडीशन जैसे, इसमें आप क्या करते हैं इसको थोड़ा टाइट करने के लिए सब इसमें सरिया डाल देंगे, तो ये लगाओ इसमें और इसको हम थोड़ा सा और झटका लगा के टाइट करते हैं, हल्का झटका मारिए ऊपर से, ये आसानी से और टाइट हो जाए कि सही हो जाए, लगाइए हल्का सा नीचे से चोट मारो पीछे से, इस प्रकार से ये टाइट हो गया है, ठीक है। अब चला के मशीन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन उसको आप क्लिक करिए, आप बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन नई वीडियो के लगातार मिलते रहे। धन्यवाद।